हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें में। तो आप सभी को पता है, हम क्लास शुरू करने से पहले डेली सेम एक कोट पढ़ते हैं, क्या? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बोला गया है और इन्हीं का जन्मदिन हम हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बात आप पर भी पूरी तरीके से लागू होती है कि सुबह उठो और रात को तब तक मत सो जब तक आपने जो डेली अपने कुछ टारगेट सेट किए उन्हें आप पूरा ना कर लेते, नहीं कर लेते, यानी आपने जो डेली लक्ष्य बनाए हैं उन्हें पूरा करने के बाद ही आपको रुकना या सोना है। तो आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी से बनने वाले जितने भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। और भारत के आप कोई भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी एग्जाम में जितने भी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उन्हें हमारी इन वीडियो के बाद आराम से उन्हें टैकल कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर एक है अनुकृति उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी हर्षोली मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर सी दया प्रकाश सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी अतुल कश्यप। तो किसने जीता है? हर्षोली मल्होत्रा ने जीता है। ठीक है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2022 का पुरस्कार इसने जीता है, हर्षोली मल्होत्रा ने। अनुकृति उपाध्याय ने 2021 का सुशीला देवी पुरस्कार जीता है। दया प्रकाश सिन्हा ने 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है हिंदी भाषा के लिए। अतुल कश्यप को भी हाल ही में अमरीकी भारत व्यापार परिषद का प्रमुख बनाया गया है। यह अपने बजरंगी भाईचंद में मुन्नी देखी होगी, तो ये मुन्नी वही है अभी हमने जो डिस्कस किया था, हर्षोली मल्होत्रा, जिन्हें 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर दो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर एक है प्रिय ओलिवर गोरीचेंज, ऑप्शन नंबर बी जेसी चौधरी, ऑप्शन नंबर सी विजय पॉल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी सोमा शंकर प्रसाद। तो किन्हें मिला है, किन्हें बनाया है इन्हें मुख्य अर्थशास्त्री? प्रिय ओलिवर गोरीचेंज को। जेसी चौधरी को भी हाल ही में जो क्या बोलते हैं अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। विजयपाल शर्मा को CACP का फिर से प्रमुख बनाया गया है। सोमा शंकर जो प्रसाद है इन्हें अभी हाल ही में जो यूको बैंक है उनका नया CEO और MD बनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसके 189 मेंबर है और भारत ने इसे 27 दिसंबर 1945 को ज्वाइन किया था। ये हर साल अपनी दो रिपोर्ट जारी करता है, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और दूसरी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट GFSR, ये आपको ध्यान रखना है। मार्क रूट कौन से देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर एक है उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी नीदरलैंड। तो कौन से देश के बने हैं? तो नीदरलैंड के मार्क रूट चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का इन्होंने परीक्षण किया था। बांग्लादेश ने कुछ ही टाइम पहले जो SUFF अंडर 19 विश्व महिला चैंपियनशिप है उसे इन्होंने जीता है भारत को हराकर। फिलीपींस ने अभी हाल ही में एक देश में कानून बनाया है और उसके बाद इन्होंने लड़कियों की शादी 18 साल से कम एज पर करने पर इनके माता पिता को दोनों को सजा हो सकती है लगभग 8 साल। तो इन्होंने बाल विवाह पर इन्होंने रोक लगा दी है फिलीपींस ने। नीदरलैंड की बात करते हैं तो इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, मुद्रा इसकी यूरो है और ये यूरोप महाद्वीप का देश है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसके नीचे जर्मनी है, यहाँ पर बेल्जियम है और यहाँ पर इसके नॉर्थ सी है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो द हेग है ये इसकी प्रशासनिक राजधानी है। क्वेश्चन नंबर चार है, IPL 2022 के टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? ऑप्शन नंबर एक है एप्पल, ऑप्शन नंबर बी स्टारलिंग, ऑप्शन नंबर सी टाटा ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी वीवो। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पहले इसकी स्पॉन्सरशिप वीवो के पास थी, अब टाटा ग्रुप ने इसे ले लिया है।
स्टारलिंक जो स्पेसएक्स कंपनी है एलोन मस्क उसका एक पार्ट है, जिसके अभी कुछ ही टाइम पहले इनके जो प्रमुख थे भारत में संजय भार्गव, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एप्पल दुनिया की पहली 3 ट्रिलियन जो डॉलर वाली कंपनी, मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है। ये आईपीएल 2021 से बनने वाले कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे कि आईपीएल 2021 को चेन्नई सुपर किंग ने जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर। ऑरेंज कैप मिली है ऋतुराज गायकवाड़ को और इसे ही सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग प्लेयर भी का खिताब इन्हें मिला है। पर्पल कैप मिली है हर्षल पटेल को और इसे ही प्लेयर ऑफ द सीरीज के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का हेली हब कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी मेरठ, ऑप्शन नंबर डी पुदुचेरी। तो कहां पर स्थापित हुआ है? हरियाणा का जिला है गुरुग्राम में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और हैदराबाद अभी न्यूज में आया था, क्यों? क्योंकि हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है, दूसरा भारत का पहला हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकेडमी यहाँ पर खोली है हमारे आयुष मंत्री क्या नाम है सर्बानंद सोनोवाल ने, और तीसरा दुनिया का सेकंड सबसे ऊंचा सीटिंग स्टेचू ये हैदराबाद में बना है 216 फुट हाइट का रामा अनुजाचार्य का। सबसे ऊंचा कहाँ पर है? तो थाईलैंड में है ग्रेट बुद्धा का 308 फीट हाइट का। पुदुचेरी किस लिए न्यूज में था? क्योंकि पुदुचेरी में अभी 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव यहाँ पर का आयोजन किया जाएगा। मेरठ यूपी का है एक क्षेत्र है जहाँ पर अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वहां पर अभी उद्घाटन हुआ था, और ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे बनाया है? ऑप्शन नंबर 1 है अलका मित्तल, ऑप्शन नंबर बी अशोक कुमार, ऑप्शन नंबर सी आयशा मलिक, ऑप्शन नंबर डी अर्जित पटेल। तो किसे बनाया है? अर्जित पटेल को बनाया है AIIB का अध्यक्ष। देखिए अलका मित्तल न्यूज में क्यों आई थी? क्योंकि अलका मित्तल को अभी हाल ही में एक कंपनी है ONGC, उसकी पहली महिला ये CMD बनी है। अशोक कुमार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक बनाया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आयशा मलिक पाकिस्तान से संबंधित है और इन्हें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली ये महिला जज बनने जा रही है। देखिए ये जो उर्जित पटेल है ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इन्हें अभी इनका उपाध्यक्ष बनाया है और ये अगले 3 साल तक वहाँ पर ये इनका कार्यकाल रहेगा। ये जो AIIB है इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2016 में हुई थी, आज से 5 साल पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन नंबर 1 है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी यूपी। तो कौन सा राज्य करेगा? तो उड़ीसा करेगा पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी। अब देखिए MP न्यूज में क्यों था? एमपी का एक जिला है मऊ, यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी ने क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की है, यह आपको पता होना चाहिए। एक इसका क्षेत्र है ग्वालियर, ग्वालियर में 97वां विश्व तानसेन उत्सव जो 5 दिन चला था वो यहाँ पर हुआ था ग्वालियर में, यह आपको ध्यान रखना है एमपी के बारे में। इसके अलावा एमपी शायद और न्यूज में नहीं आया था, एक आया था खेलो इंडिया 2023 का भी मेजबानी कौन करेगा? ये मध्य प्रदेश करेगा। असम न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि असम ने भी हाल ही में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उसका नाम है निरामय मिशन, वो इन्होंने अभी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश न्यूज में क्यों आया था? उत्तर प्रदेश तो काफी चीजों को लेकर न्यूज में था, जैसे कि जनधन में यह सबसे टॉप पर था जनधन अकाउंट में, दूसरा अभी नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किए है ये इसमें सबसे बॉटम पर है, और सबसे ऊपर केरल है लगातार 4थी बार, तीसरा इसका एक रेलवे स्टेशन है झांसी रेलवे स्टेशन, उसका अभी नाम चेंज हुआ है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, चौथा उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुली है, छठा उत्तर प्रदेश के नए महासचिव बने हैं
दुर्गा शंकर मिसर, और लास्ट जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 है उसमें इसने टॉप किया है। ये आपको पता होना चाहिए यूपी के बारे में। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एबीसी का 2021-22 के लिए अध्यक्ष किसे चुना है? ऑप्शन नंबर एक है अजय कुमार कक्कड़, ऑप्शन नंबर बी देवव्रत मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी अनिल प्रकाश जोशी, ऑप्शन नंबर डी अरूप राय चौधरी। तो देवव्रत मुखर्जी को चुना गया है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी का अध्यक्ष। देखिए अजय कुमार कक्कड़ न्यूज में क्यों थे, क्योंकि इन्हें भी हाल ही में केबीई पुरस्कार मिला है अजय कुमार कक्कड़ को। अनिल प्रकाश जोशी को मदर ट्रेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है अनिल कुमार जोशी को। अरूप राय चौधरी ने अभी कुछ टाइम पहले अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका नाम क्या है तो दी टर्न ओवर विजार्ड, ये इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है अरूप राय चौधरी ने। और ये जो एबीसी है ये 1948 में स्थापित हुई थी और उसका मुख्यालय महाराष्ट्र में मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे वायुसेना अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन नंबर एक मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन नंबर बी वीएस पठानिया, ऑप्शन नंबर सी विवेक राम चौधरी, ऑप्शन नंबर डी जनरल बिपिन रावत को। तो किसे बनाया है? विवेक राम चौधरी को बनाया है वायुसेना अध्यक्ष। मनोज मुकुंद नरवणे कौन है? तो ये हमारे इंडियन आर्मी के चीफ है। वीएस पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं 24वें नंबर के, और ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं एचपी के। एचपी वही राज्य है जिसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती है तमिलनाडु को हराकर। और इसके अलावा एचपी में हिमाचल प्रदेश में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन वहां पर हुआ था। इसके अलावा एलपीजी मुक्त युक्त और धुआं मुक्त इसमें भी एचपी टॉप पर रहा था। वीएस पठानिया ने बात कर ली, एक था वीके भावरा, आपने सुना होगा वीके भावरा, इन्हें भी हाल ही में पंजाब का नया डीजीपी बनाया गया है। एक था हमारा वीके त्रिपाठी, वीके त्रिपाठी अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। जनरल बिपिन रावत ये कुछ टाइम पहले किसी क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर हादसे में इनका निधन हो गया, ये शहीद हो गए। और अब इनके नाम पर एक यूपी में एक मैनपुरी सैनिक स्कूल है उसका नाम वहां पर चेंज किया जाएगा, ऐसा योगी जी ने घोषणा की है। विवेक राम चौधरी ये 27वें प्रमुख बने हैं और ये अगले 3 साल तक रहेंगे, लगभग सितंबर 2024 तक। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, विश्व राइनो दिवस हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर एक 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 22 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 12 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 12 सितंबर। तो कब मनाया जाता है? हर साल 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 12 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। ये जनवरी से बनने वाले इंपॉर्टेंट कुछ डे है जो हमने आज तक की क्लास में डिस्कस किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें पढ़ लीजिए। तो ये थे आज के हमारे 13 जनवरी से बनने वाले टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और उनसे बनने वाले कुछ फैक्चुअल डाटा। आई होप कि आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इस क्लास की रिविज़न करनी है या फिर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा जो ब्लॉग है उसको विजिट कर सकते हैं www.examfastcare.com, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल ठीक 6 बजे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।